अस्सलामुअलैकुम जो ऑल पाकिस्तानीज, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक आलमी वबा की सूरत अख्तियार कर गया। सूरत हाल में जहाँ कोरोना वायरस और लॉकडाउन का खौफ सर पे सवार है, वहाँ अल्लाह का भरोसा और खल्क खुदा से मोहब्बत का जज्बा भी सर पे सवार होना चाहिए। कुछ हमारे माशरे के लोग जो हैं वो जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, मुतासर अफराद, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। सो ये बड़े अफसोस का मुकाम है। मैं समझता हूँ ये जो कुछ लोग हैं ये हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये हमारी पाकिस्तानी कौम में से नहीं है, ये पता नहीं किस कौम से। क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है और अजीम कौमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हौसला करती हैं, एक दूसरे का साथ देती हैं। अक्सर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे होते हैं कि लोग बोलते हैं कि एक कौम बनो, एक कौम बनो। असल में ये वक्त है एक कौम बनने का। मैं आप सबसे अगेन ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, आई होप कि आप सब लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशंस पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो सेफ्टी प्रिकॉशंस आप इख्तियार करें और जहाँ पे किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं होता वहाँ पे एहतियात की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। Stay safe and protect yourself, your family and your friends. And you can do this by avoiding social gathering. Isn't it easy?